देवताओं की नगरी के नाम से विख्यात हिमाचल को देखने में ऐसा ही लगता है कि इसे वाकई में प्रकृति ने बड़ी खूबसूरती से नवाजा है। जिधर भी नजरें दौड़ाएं, उधर देखने को मिलेगा मदमस्त सूरज को चिढ़ाते हुए बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, हवा से अटखेलियां खेलते चीर के लंबे लंबे पेड़ और पहाड़ों का सीना चीर कर निकलता पानी का कोलाहल। वाकई में ये सब देखकर तो हर किसी का दिल बाग बाग हो उठता है, पर तस्वीर का दूसरा सच काफी भयानक दिखता है, जिसे नजदीक से ही देखा और महसूस किया जा सकता है। वो है पहाड़ों में बसर करने वालों की जिंदगी। कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पैदल यात्री क्या बस भी पहुंचने में दिनों दिन लगा देती है, और लोगों के घर भी दूर दूर बसे हैं। एक घर इस पहाड़ी पर है तो दूसरा घर दूसरी पहाड़ी पर। वैसे तो एक घर से दूसरे घर तक भी जाने का कोई रास्ता नहीं, पर कोशिश करते करते जो पेड़ों के बीच रास्ता निकल पाया वही रास्ता बन गया। लोगों के गुजर बसर का एकमात्र साधन है खेती, वो भी बरसात के भरोसे। जिस साल बारिश अच्छी हुई समझो पहाड़ों में फसल हुई, अन्यथा खाने के लाले पड़ जाते हैं। बावजूद इन विपरीत हालातों के पहाड़ में रहने वाले लोग चिंता और फिक्र जैसी चीजों से कोसों दूर हैं। अगर आज का खाना मिल गया तो इन्हें कल की चिंता नहीं होती, अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, और ये मस्ती और बेफिक्री झलकती है इनके लोक गीतों में। निसंदेह दाद देनी पड़ेगी इनकी हिम्मत और हौसले की। इतनी कठिन जिंदगी मगर चेहरे पर शिकन तक नहीं। खास तौर से महिलाएं प्रकृति की ही तरह हर मायने में मजबूत होती हैं। घर का खाना बनाने से लेकर खेती तक का काम इन्हीं के जिम्मे रहता है। इसमें शामिल होता है बच्चों को संभालना, पीने के लिए पानी लाना, गाय भैंसों को चारा देना वगैरह वगैरह। ऐसे में सहज ही समझा जा सकता है कि जब शुरू शुरू में इन महिलाओं को पढ़ने के लिए साक्षरता केंद्र पर आने को कहा गया होता तो इन्होंने क्या जवाब दिया होगा। यकीनन अपने कामों में व्यस्त इन महिलाओं के पास दूसरी चीजों के लिए फुर्सत ही कहां होगी। ऊपर से समाज भी इतना खुला नहीं था कि महिलाओं को आसानी से घर से बाहर निकलने देता। यही वजह है कि जब साक्षरता अभियान से जुड़ी स्वयं सेविका रजनी महिलाओं को केंद्र पर बुलाने के लिए उनके घर गई तो उसे तरह तरह की बातें सुननी पड़ी। कोई कहता कि उसे खेतों में काम करने के लिए जाना है, तो कोई बताता कि उसके आदमी नहीं चाहते कि वह पढ़ाई जैसे फालतू कामों में अपना वक्त बर्बाद करे, और ये सब सुनकर रजनी जाहिर है निराश सी हो जाती है। क्या बात है रजनी, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ की महिलाएं बार बार समझाने पर भी पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रही हैं। उनके पास कोई ना कोई बहाना होता है। पहली बात तो ये है रजनी कि ये महिलाएं कोई बहाना नहीं बना रही है, वास्तविकता तो यही है। ये महिलाएं दिन भर घर का काम काज करती रहती है, फिर बच्चों की देखभाल और खेतों में काम करना भी इन्हीं के जिम्मे है। ऐसी हालत में इनके पास फुर्सत ही कहाँ है। तुम कोई दूसरा रास्ता निकालो ताकि ये महिलाएं घर से बाहर पढ़ाई के लिए निकले। हाँ, तुम इसके लिए बड़े बुजुर्गों की मदद ले सकती हो ताकि सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, और इन महिलाओं की पढ़ाई का समय इनकी सुविधा अनुसार ही रखना। फिर देखो कैसे भला इस अभियान की गूंज घर घर में पहुंचती है। कुलदीप की बातों से तो जैसे रजनी को आगे बढ़ने का रास्ता ही मिल गया। उसे वो सारी दिक्कतें दूर होती नजर आईं जिसको लेकर वह परेशान थी। उसने सबसे पहले गांव के प्रमुख लोगों के साथ बैठक की, बताया कि महिलाएं केंद्र पर आने को तैयार नहीं हैं,
उन्हें समझाया कि अगर गांव की महिलाएं केवल अक्षर ज्ञान ही पा लेती हैं, तो हर घर में इसका फायदा नजर आएगा। वे अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, खुद भी नई नई चीजें सीख सकती हैं। बात गांव वालों के फायदे की थी, सो उन्होंने भी रजनी को सहयोग का वचन दिया। चूंकि गांव के इन खास लोगों का सामाजिक रुतबा काफी ज्यादा था और रजनी को ये बात जल्द समझ में आ गई थी कि ऐसे लोगों का गांव वालों पर बहुत प्रभाव है, इसीलिए रजनी शुरू शुरू में इन लोगों को लेकर गांव में घूमी, घर घर ले गई इन्हें, और इसका फायदा भी जल्द ही देखने को मिला। आज रजनी के केंद्र में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी महिलाएं पढ़ती नजर आती हैं। इस उम्मीद के साथ कि उन्हें भी जीने का ऐसा नया रास्ता दिखेगा जो तमाम तरह की मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में सहायक होगा। खाद की र खीर मैल कैल। रजनी ने यहाँ पर भी समझदारी दिखाई। उसने महिलाओं की सुविधा के लिए केंद्र का समय दोपहर का रखा ताकि सारी महिलाएं काम को निपटा कर केंद्र पर आ सके, और रजनी ने पढ़ाने का तरीका भी अपने हिसाब से रोचक ही रखा। केंद्र पर रजनी वही पाठ पर ज्यादा जोर देती है जिसे पढ़ने में महिलाओं को मजा आता है, जैसे कि हिमाचल में सेब के पेड़ बहुत हैं, तो वो सेब के बाग वाला पाठ पढ़ाती है। महिलाओं की उंगली पकड़ कर एक एक अक्षर से उनकी पहचान करवाती है, ऐसी पहचान कि कभी भूले न भुलाए। केंद्र पर ही वो महिलाओं की छोटी मोटी दिक्कतों का समाधान करने का प्रयास भी करती है। रजनी की कोशिश यही रहती है कि ये महिलाएं इतनी मजबूत हो जाएं कि भविष्य में उन्हें किसी तरह के सहारे की जरूरत ना पड़े। यही कारण है कि आज रजनी के एक इशारे पर सारी महिलाएं उसके पीछे चल देती हैं बिना किसी संकोच के। ऐसा नहीं है कि पहाड़ में साक्षरता अभियान को चलाने में यही एक दिक्कत है, दूसरी कई ऐसी दिक्कतें हैं जिससे लोग काफी परेशान रहते हैं। पहाड़ में तो वैसे कोई बड़ा उद्योग है नहीं जो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे पाए। मिट्टी भी इस तरह की नहीं होती कि ज्यादा मात्रा में पैदावार ली जा सके। अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। पहले तो इन लोगों का गुजारा जंगल से ही हो जाता था, पर जंगलों के अवैध कटाव से लोगों की हालत और खराब होती चली गई। इसका सबसे बुरा असर पहाड़ पर ही पड़ा। बड़ी मात्रा में मिट्टी का कटाव हुआ, कई स्थानों पर तो पूरा का पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के बगैर उजड़ा सा दिखाई पड़ता। लोग भी अपने जानवरों को जंगल में खुला छोड़ देते जिससे नए पौधे पनपने से पहले ही खत्म हो जाते। ऐसी ही जगह के स्वयंसेवक हैं शास्त्री जी। ये सब देखकर उनका मन काफी व्याकुल हो जाता कि क्या किया जाए जिससे इलाके की तस्वीर बदले। क्या बात है शास्त्री जी, कुछ उदास से लग रहे हैं, कहीं कोई खास बात तो नहीं? नहीं, कोई खास बात तो नहीं, बस थोड़ा सा अपने इलाके के लोगों को लेकर के चिंतित हूँ कि इस इलाके के लिए क्या कुछ किया जाए ताकि लोग खुशहाल हो सकें। देखिए शास्त्री जी, अगर गांव वालों के लिए आपके मन में कुछ करने की इच्छा है तो रास्ते एक नहीं अनेक हैं। देखिए, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी और जमीन का कटाव। आप लोगों को समझाइए कि साक्षरता केंद्र में पढ़ने लिखने के अलावा गरीबी दूर करने के उपाय भी बताए जाते हैं। और रही जमीन कटाव की बात, तो इसके लिए आप लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, और उन्हें ये भी बताइए कि अगर जंगल इसी तरह कटते रहे तो वो दिन दूर नहीं, पहाड़ तो खत्म होंगे ही, ना तो पीने का पानी मिलेगा और ना ही पशुओं का चारा। ठीक है ना, समझ गए ना शास्त्री जी? हम बात कर
कर रहे थे भूमि कटाव की, कि भूमि कटाव को रोकना है। धीरे धीरे ये बात शास्त्री जी ने गांव वालों को बताई कि अगर इसी तरह जंगल खत्म होते रहे तो उन पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अगर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो साक्षरता एक कारगर माध्यम है, तो क्यों नहीं इसका इस्तेमाल किया जाए। गाँव वालों को ये बात समझ में आ गयी की पढ़ना लिखना उनके लिए कितना जरूरी है। पढ़े लिखे न होने की कीमत न केवल उन्हें चुकानी पड़ी है बल्कि प्रकृति को भी इससे खासा नुकसान हुआ है। तो वहाँ पर मतलब हम पेड़ पौधे लगाएंगे और दूसरी अपनी आय बढ़ाने के लिए फलदार पौधे लगाएंगे। फलदार पौधे से ये होगा कि एक तो हमारी फल खाने को मिलेगा। आज हमारे जो पाठ पढ़ना, ये पाठ हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश की रेणुका। तभी तो आज शास्त्री जी के केंद्र पर इतनी बड़ी तादाद में नवसाक्षर इकट्ठे होकर पठन पाठन में जुटे हैं और शास्त्री जी बड़े प्यार से नवसाक्षरों को एक एक बात समझा रहे हैं कि कैसे केवल पढ़ने लिखने मात्र से ही उनकी जिंदगी में सुखद बदलाव आ जाएंगे। वे महिलाओं को समझाते हैं कि वे थोड़ी बहुत कोशिश करें तो पहाड़ी जमीन पर ही फलदार वृक्ष उगा सकती हैं, सरकारी योजनाओं के लाभ उठा सकती हैं, कैसे बचत करके अपने परिवार की अच्छी तरह देखभाल कर सकती हैं। इन सब से एक हद तक गरीबी भी दूर हो जाएगी। पढ़ाई पढ़ाई में ही शास्त्री जी ने लोगों को पेड़ पौधे के महत्व से अवगत करवाया। ये भी बताया कि इसी से सांस लेने को हवा तो मिलती ही है, साथ में पीने को स्वच्छ पानी भी। मिट्टी कटाव, भूमि कटाव इतना हो रहा कि बहुत ज्यादा है। तो इस चीज के ऊपर हमारी पहले भी चर्चा चलती थी साक्षरता केंद्र में। अब जो है हम लोगों को एक काम करना चाहिए, हम लोग तब खुशहाल हो सकते हैं कि हमको अपने बाग बगीचे भी लगाना चाहिए, इससे भी हमारी जमीन की कटाव रुकेगा। खास बात ये भी रही कि इसके जरिए ही यहाँ के लोगों में एक जगह बैठने की आदत बनी। इस जगह का इस्तेमाल वे अपनी दूसरी समस्याओं के हल के लिए भी करते। इसका असर ये हुआ कि आज गांव वालों ने पूरे जंगल की नाकाबंदी कर दी है। अब कोई भी जानवर को खुला जंगल में चरने को नहीं छोड़ सकता है और न ही कोई पेड़ का अवैध कटाव कर सकता है। अब तो गांव वालों में पेड़ पौधे लगाने की होड़ मची है कि कौन कितने पेड़ लगा सकता है। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए पत्थर लगाए जा रहे हैं और तो और गांव वालों ने मिलकर सामूहिक फलदार बगीचे लगाए हैं ताकि कुछ आमदनी हो सके। समुद्र तल से लगभग 7000 फीट पर बसे नोहराधार की समस्या कुछ अलग तरह की है। साल भर के 3 महीने यहाँ बर्फ रहता है। इस दौरान यहाँ की ज्यादातर गतिविधियाँ ठप सी रहती हैं। लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं। जब बर्फ गिरना बंद हो जाता है तभी यहाँ की गतिविधियाँ शुरू हो पाती हैं। एक तो कठिन इलाका, ऊपर से प्रशासनिक कश्मकश की वजह से यहाँ का साक्षरता अभियान काफी लंबा खींच गया। नतीजा, लोगों का उत्साह काफी ठंडा पड़ गया। स्थिति ये है कि अब यहाँ की महिलाएं पढ़ाई का नाम सुनते ही उखड़ जाती हैं। उन्हें लगता है कि आखिर वे कब तक पढ़ती रहेंगी, इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। यहाँ की स्वयं सेविका है सुनीता, खुद तो कॉलेज में पढ़ती है और घर पर महिलाओं को पढ़ाती है, लेकिन पहले के मुकाबले अब उसके केंद्र पर काफी कम नवसाक्षर रह गए हैं। जो बचे हैं वे भी भागने को आतुर हैं। खुद सुनीता का मन भी अब पढ़ाने में नहीं लगता, उसे अब पढ़ाना लिखाना बेकार सा काम महसूस होने लगा है। सर्दी, गर्मी और कहो सुनीता, तुम्हारा केंद्र कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? केंद्र तो किसी तरह चल ही रहा है। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है, हमें शुरू में जैसे सबका सहयोग मिला था, अब वो सहयोग नहीं मिल रहा है। आजकल लोग कुछ खिंचे खिंचे से दिखते हैं। देखो सुनीता, ये तो स्वाभाविक ही है, जब अभियान लंबा खिंच जाता है तो ठराव तो आता ही है, पर यहीं पर तो पहचान होती है एक सच्चे स्वयंसेवी की, एक अभियानी की। तुम्हें तो कुछ ऐसा प्रयास करते रहना पड़ेगा ताकि
समाज के हर तबके का सहयोग तुम्हें लगातार मिलता रहे। बेशक इसका परिणाम देर से दिखेगा, पर दिखेगा जरूर। तब देखना इन पहाड़ों की बहार। ये बात सुनीता गांठ बांध लेती है और निश्चय करती है कि वह ऐसा कोई प्रयास जरूर करेगी जिससे अभियान की गति धीमी ना पड़े। इस कड़ी में फिर से वह महिलाओं को समझा बुझाकर इकट्ठा करती है, न पढ़ने लिखने से होने वाले नुकसान के बारे में बताती है। इससे महिलाओं को भी लगता है कि सिर्फ जानकारी न होने की वजह से उन्हें कितना बेवकूफ बनाया जाता रहा है। वो महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत करवाती है ताकि उनमें खुद कुछ करने का आत्मविश्वास पैदा हो सके। गांव की महिलाओं को लेकर सुनीता महिला समिति बनाती है। समिति में हर महिला प्रत्येक महीने 5 रुपए जमा करवाती है। जरूरत पड़ने पर इसी पैसे का इस्तेमाल महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए होता है। इनके पास जो है ना रेखा देवी, इनके पास पिछले महीने के पैसे, ये अगले महीने में देना है, ठीक है ना। इन सब के बाद सुनीता का केंद्र शुरू होता है, वो भी औरत नामक पाठ से, ताकि महिलाओं को लगे कि किताब में लिखी बात उनकी जिंदगी की दास्तान है और इससे वह सीख ले सके। महिलाएं भी बड़े चाव से किताबों में लिखी बातों को पढ़ती हैं, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि किताब ही उनकी सच्ची हमदर्द है और वही उनको सुकून भरी जिंदगी दिला पाएगी। स्कूल के लिए तैयार करती है। सास खेतों में काम करती है। बैंक में अपना खाता जांच लेती है। मर्दों से बराबरी पर बात करती है। जब महिलाएं किताबें पढ़कर थक जाती हैं, तब सुनीता उन्हें अपने गीतों से उत्साहित करती है कि आज देश में सभी आजाद हैं, सिवाय महिलाओं के। इसी की एक झलक दिखती है जब सुनीता के साथ महिलाएं चल पड़ती हैं अपने खोए अधिकार को हासिल करने के लिए। हर बच्चे का ये अधिकार, पूरी शिक्षा, पूरा प्यार। चलिए, सुनीता की बदौलत ही सही महिलाओं को अपने वजूद का एहसास तो हो रहा है, पर यहाँ ये क्या, रविंद्र के केंद्र पर खामोशी छाई हुई है। देखने से तो लगता है पढ़ाई चल रही है, पर आवाज कहीं भी कुछ सुनाई नहीं दे रही। क्या बात है रविंद्र जी, आपका केंद्र कुछ शांत सा लग रहा है, कोई चहल पहल नहीं? चहल पहल कैसे रहे, शुरू में जब केंद्र खुला था तो लोगों को पढ़ने में आनंद आता था, लेकिन अब उन्हें कुछ केंद्र नीरस सा लगने लगा है। बस इतनी सी बात है तो इस पर निराश होने की कोई जरूरत नहीं। केंद्र को मजेदार बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिससे केंद्र पर नव साक्षरों का लगातार उत्साह बना रहेगा। जैसे कि आज गांव में क्या कुछ हुआ, इस पर चर्चा करें। खेल खेल में अंक और अक्षर ज्ञान दें तो केंद्र इतना असरदार हो जाएगा कि इसमें हर किसी को मजा आएगा, ठीक है ना? स्वयं सेवक रविंद्र ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने नव साक्षरों को इकट्ठा कर वे सारे तरीके अपनाने शुरू किए जो कुलदीप ने बताए थे। उसने एक एक कर सारी महिलाओं से पूछना शुरू किया कि आज उनके यहाँ क्या कुछ हुआ।
जवाब बड़े रोचक और मजेदार मिले। एक ने कहा कि उसके घर में वायरिंग हो रही है। वायरिंग हो रही थी घर में, मिस्त्री बुला रखे और वायरिंग कर रहे। दूसरी ने कहा कि उसके खेत में आलू लगाए जा रहे हैं। आज हम आलू लगा रहे जी। हाँ जी। और तीसरी ने बताया कि उसके घर में सारे लोग बीमार हैं। तुम्हारे घर में तो जी बहुत बीमार पड़ रहे बच्चे और स्कूल से भी स्कूल भी नहीं भेजे हुए। हाँ। और बस ऐसे ही रोटी राटी का काम चलता रहता और डॉक्टर वगैरह बुला रखे थे। केंद्र में मौजूद सारी महिलाओं ने इसका लुत्फ उठाया। केंद्र को मनोरंजक बनाने का रविंद्र का प्रयास यही खत्म नहीं होता, बल्कि रविंद्र ने तो इन महिलाओं के लिए अक्षर कार्ड बनवाए हैं, जिनको मिलाकर महिलाएं शब्द बनाती हैं। बड़े उत्साह से कोई महिला देश शब्द बनाती है तो कोई कमल शब्द। कमल क्या बना जी? कमल कमल बनाया है। और तो और, शांति को देखिए, ये चुटकुला सुना रही है। तो बूढ़ी जानबूझ के गिर गई। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे नौजवान छोकरे ना कोई पड़े बोलो उठा लो बेचारी को गिर गई है, तो सीट भी मिली, फिर उसको आदर सत्कार से दुआई भी मिल गई। एक बोले कोई नौजवान की बेचारी को जलेबी तो ले आओ, कोई बोले ना सीन है ना जिंदगी दर्द, कोई बूढ़ी बच जाए जान बच जाए बूढ़ी की, बूढ़ी को चाहिए थी सीट। अच्छा। सीट भी मिल गई और जैसे बोला दवाई वालों को जलेबी, भाई जलेबी भी यहाँ पर गरम गरम बूढ़ी को जलेबी खिलाओ। तो बोलती बूढ़िया की ये बेटा बोल रहा ठीक है, ऐसा करो जैसे ये बोल रहा जलेबी वाला। सीट भी मिल गई, जलेबी भी मिल गई, बूढ़ी आराम से बस मिल चली गई। नहीं खा रही। पहले घर से बाहर निकलने में हिचकने वाली महिला का खुले आकाश में अपनी बात कहना और ठहाके लगाना ये कम आश्चर्य वाली बात नहीं है, और इसका सारा श्रेय रविंद्र को जाता है। अब केंद्र पर ही महिलाएं पढ़ती भी हैं, साथ में अपना दिल भी बहलाती हैं। इससे केंद्र की नीरसता खत्म करने में काफी मदद मिली। इस तरह से रविंद्र का केंद्र तो चल निकला। अब जरा विद्याधर के केंद्र पर चलकर देखते हैं वहाँ कैसी पढ़ाई चल रही है। पर पता नहीं क्यों विद्याधर तो केंद्र समाप्त कर कहीं और चल पड़ा है। क्यों विद्याधर, आज तुमने केंद्र जल्दी बंद कर दिया, कहीं जाना है क्या? अरे नहीं, नौ साक्षरों ने तीनों किताबें पढ़ ली है, दूसरी किताबें आने में देर है, तब तक क्या किया जाए? ये तो अच्छी बात है कि आपने तीनों प्राइमर पढ़ा दिए और अभी अगली किताब आने में देर है, पर अगर तुम्हारे मन में नवसाक्षरों को आगे बढ़ाने की रुचि है तो तुम्हें ऐसे उपाय हमेशा करते रहने पड़ेंगे जब तक कि नवसाक्षरों की पढ़ने की आदत विकसित ना हो जाए। मेरे हिसाब से तुम फिलहाल गांव-गांव में घूमकर किताब का पाठ करो, पर ध्यान रहे ये किताबें नवसाक्षरों की रोजमर्रा की जिंदगी से ही वास्ता रखती हों और उनमें सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्य छुपे हों। ठीक है? ठीक समझ गए। पर ये काम अकेले विद्याधर के बस की बात नहीं थी, इसीलिए वह जा पहुंचा अभियान के दूसरे साथियों के पास। उन्हें बताया कि वह गांवों में नव साक्षरों के लिए खास तौर से बनी कहानियों की किताबों का पाठ करना चाहता था। विद्याधर के साथियों को ये सुझाव काफी अच्छा लगा। विद्याधर ने ये बात गांव की नव साक्षर महिलाओं को बताई। ये भी खुलासा किया कि वह केंद्र पर पढ़ाने की बजाय किससे कहानियां सुनाएगा। तीनों प्राइमर खत्म कर पढ़ाई लिखाई से ऊब चुकी महिलाओं को ये बात बहुत दिलचस्प लगी, इसीलिए जब विद्याधर उन्हें बुलाने गया तो उन्होंने भी आने में देर नहीं की। यही वजह है कि आज विद्याधर के एक बुलावे पर इतनी सारी महिलाएं जुट गईं। अभियान के स्वयंसेवक विद्याधर ने भी महिलाओं को निराश नहीं किया। उसने महिलाओं के सामने वही कहानियों का पाठ किया जिनमें महिलाओं की उत्सुकता थी, जैसे कि आज उसने बच्चों की देखभाल वाली कहानी का पाठ किया। पाठ के खत्म होने के बाद उसने महिलाओं से सवाल पूछे कि आखिर उन्होंने इससे क्या समझा। हर किसी ने अपने मन मुताबिक जवाब दिए।
ऐसे ही कई जगहों पर कहानियों का पाठ करने का ही नतीजा है कि जब कभी इन महिलाओं को काम से फुर्सत मिलती है तो वे भी कहानियों की किताब लेकर बैठ जाती हैं। ये संकेत है कि अब पढ़ाई की भूख हर नवसाक्षर में पैदा हो रही है, जो कि अभियान की असली ताकत है।